वेलकम होम। सना बाजी इज टेस्टिंग, तो मैं इनको पहले तो ये हमारे बेंगलोर का जो लोकल बेकरी में मिलता है ये सब आइटम, जैसे प्लम केक ये और क्या बोलते हैं उसको, खवे की नान वो सब, हाँ चोबे की नान वो सब खाया। हाँ बहुत मजा आया, उनको बहुत पसंद आया खवे की नान। यस, और हमारे भाई लोग क्या बोलते हैं कोकोनट रहता ना, कोकोनट का स्टफ है इसमें, इसमें खवा, अच्छा वो कोकोनट वाला है, ये मैंने खवा का खाया। हाँ खवा का खाया, ये खोपड़े का है। हाँ ये बस एक निवाला लूंगी मैं तो, खाना जो सारे आपके तीनों लगे हुए हैं अंदर। एक किलो पैक कर दो। हम हाँ हाँ ऑफ कोर्स जब जाएंगे ना आप, हम पैक करेंगे ये और खवे की दोनों। ये और वो दोनों पैक करेंगे, आंटी को खिलाइए लेके है ना घर पे। आप लोग खाएंगे कैमरा बंद। प्रिपरेशन हो रही है डिनर की, देखते हैं किचन में कि क्या क्या बनाया है मम्मी ने स्पेशल। यहाँ पे बिरयानी माशाल्लाह, काश मैं घर पे होती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ और ख़ास करती, बट मुझे यकीन है कि मेरी मामियों ने और मम्मी ने बहुत अच्छा कुछ ख़ास किया होगा। यहाँ पे पराठा बन रहा है और यहाँ पे चिकन बन रहा, बन गया है जो सर्व हो रहा है अभी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे जो बिरयानी के साथ खाएंगे वो है मतलब ये बैगन का खट्टा और रायता और Yes, and this is another type of biryani, जो मेरी दो मामियों ने दो टाइप की बिरयानी बनाई है माशाल्लाह। दोनों खाएंगे और बताएंगे। ओ वाह मम्मी ने बनाया है ये कस्टर्ड। Okay, I'm hungry now. चलो बैग है ना, जब मैं मुंबई गई थी तो इसमें मुझे जमजम और खजूर दिए थे सनाबाजी ने, और पता नहीं कैसे मैंने इसमें चॉकलेट डाल के रखा है। और मैंने ये सोचा था जब मैं लंदन गई थी तो मैंने सोचा था कि ये वाले चॉकलेट जो है मैं अलग रखूंगी, सारे नहीं खाए। हाँ। कि कोई स्पेशल आएगा ना घर पे तब मैं उसको दूंगी। अब बताइए इसमें माशाल्लाह, ओहो बहुत सारे हैं सच में, सबका एक 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 रखा था मैंने। सब खाएंगे खाने के, खोल के सबको टेस्ट करेंगे। वाओ ओह सारे जो क्वालिटी ऑफ द चॉकलेट्स आर वेरी नाइस। व्हाट इज कॉल्ड डार्क चॉकलेट आई लव, इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा, देखो आप ही के कवर में डाल के रखा है ना। हां वो आप ही के बैग में डाल के रखा था, देखो आगे निकले। 5 क्रंची कैरमल, ओह कैरमल क्रंची बहुत अच्छा। ये तो डार्क चॉकलेट ऑफ कोर्स, कितनी परसेंट है डार्क? 100% इतनी कड़वी होगी है, इतनी कड़वी होगी। अनस भाई को खिला देना। अनस भाई को खिला देना। खाने का तो तुमको आता ही नहीं, तुम्हें तुम्हें खाने का तुम्हारा कोई स्वाद ही नहीं है। अनस तो यही बोलेंगे। जा भी विदाउट शोइंग योरसेल्फ, ये रहा। तो देखो मैंने यहाँ पे पिन लगा के कल रखा है, पता नहीं भूल गई हूँ, मेरे बैग में लगा होगा। हाँ मेरे बैग में लगा होगा कहीं ना कहीं लगा है। तो क्या करती हूँ ना मैं, एलवी में ऐसे नहीं लगा सकते, थोड़ी तो वैल्यू रखनी चाहिए इसके। मेरी देख। हाँ तो मैं अंदर लगाती हूँ ना, बेस्ट ना ओपन करने की भी जरूरत नहीं होती, यहाँ पे लगा दो ऐसे। मुझे डर लगता चुभ ना जाए। नहीं आप ओपन मत करो, मतलब जब वजू कर रहे हो ये वो तो वैसे ऊपर से लगा दो। तैयार है, बहुत एक खास दोस्त ने मंदी भिजवाई है सनाबाजी के लिए, तो ये भी हम सर्व करेंगे अभी। और ये है मैसूर पाक जो एकदम फ्रेश एकदम गरम गरम है, इसको टेस्ट करवाते हैं सना बाजी से और देखते हैं कि उनको पसंद आता है क्या। बाजी आई वांटेड टू टेस्ट दिस मैसूर पाक का, बोलूं ना सुना आपके वीडियो में बोला। खाया मैसूर पाक एकदम गरम गरम है। हां आज मैं गया था उधर तो, ओह माय गॉड सो गुड। मिलेगा आप लोग पेट नहीं दुखाना, ये आप लोग
अब हमारे सारे व्यूअर्स भी वैसे ही देख रहे होंगे, ओ कितना अच्छा होगा। डब्बे के बाहर आ गया घी, नजर लग गई है वो। हमारा हो गया, कैसा था शिफा? हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करेंगे, और थोड़ा खाओ ना फिर थोड़ी देर से, थोड़ा थोड़ा ब्रेक के बाद। रूम में जा रहे हैं। I'm so lucky, so lucky। सना बाजी मेरी मासी है फोन पे। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वही दवाई वही दवाई दवाई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बेटी से बात कराती हूँ, वेरी एक्साइटेड जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? She can't believe, I think. How are you? Yeah, are you for real? Nani, that's so sweet of her. Very excited. Oh my God. वो देखो क्यूट वाला पीछे। अरे सबसे फेवरेट मेरे सबसे छोटे भाई को दिखाओ ना, यासीन। यासीन is changing clothes. मामी फैन डालो। देखो कितना माशाल्लाह लग रहा है। अल्लाह, हम लोग रिसॉर्ट जा रहे थे ना सर। हां जाएगी, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ होप, डोंट एवर बी होपलेस। वी ऑल हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड इंशाल्लाह वन डे वी ऑल विल बी सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, दैट्स इट, जस्ट वर्क एंड जस्ट प्रे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो लकी दैट सना बाजी इज sitting on my bed. मतलब इतना positive, मतलब ये soul होती है ना, मतलब you, that means the entire place is positive. So I'll tell you, सबसे easy तरीका, अगर आप चाहते हो कि फरिश्ते आपके आस पास हो, सबसे easy तरीका, अगर आप भी आ रहोगी आपके आस पास सिर्फ फरिश्ते रहेंगे, तो that is you have to recite Quran. अगर जाहिर सी बात है हम 24 घंटा कुरान लेकर नहीं रखते, but whenever you recite छोटे छोटे सूरा, विच इज लाइक अल्लाह वहद, सूरा फलक, सूरा नास, आयतुल कुर्सी, आप जब भी थोड़ी, क्योंकि आप औरत हो तो थोड़ी हल्की आवाज में जिससे आपको ही सुनाई दे, अगर आप वो पढ़ोगी तो ऑटोमेटिक फरिश्ते आपके पास आ जाएंगे। सबसे सिंपल, हर किसी के पास फरिश्ते बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर वक्त हम कुरान खोल के रहे, कि इंसान इतने हम तो नेक है नहीं, अल्लाह हमें बना दे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आयते पढ़े तो कुरान की, जाहिर सी बात है तो सारे फरिश्ते फौरन हमारे पास जमा हो जाते हैं। सही बात है, तो हम जमा करें फरिश्तों को अपने पास। सुन लिया गा दोस्तों आपने, आप भी पढ़े हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या होना चाहिए, ना कि उनकी टांग खिंचाई करके उन्हें नीचे लाना के लिए हमें बनना है। तो आई थिंक मेरी हमेशा ये सोच होती है कि मैं किस तरीके से, मैं कैसे काम आ जाऊँ, होता है ना, मैं वो कहते ना, आप अभी आजकल हर कोई रिसाइकिल करना चाहता है हर चीज को, हर वेस्ट नहीं, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं एवरी डे अपने आप को कैसे, मैं कैसे लोगों के काम में आ जाऊँ। तो बस जो मेरी छोटी मोटी मेहनत है मैं करती हूँ एंड लोग आते हैं, तो दैट्स इट। तो टुमारो इज गोना बी एन एक्साइटिंग डे, बिकॉज कल हमारा आखिरी दिन है बैंगलोर में, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बैंगलोर से मुझे बहुत प्यार मिला है एंड हया को बहुत प्यार मिला है, तो बस अब बस कल लास्ट डे, धूम मचानी है इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज। व्लॉगिंग में व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, व्लॉगिंग दो लोगों के साथ, बड़ी लाइट बहुत अच्छी से है। अब ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी
परम कर्तव्य हो गया है आपको ये देना पड़ेगा मुझे मंगा के। तो गाइस सना बाजी को ये लाइट बहुत पसंद आ गई है। अल्लाह मुझे कबूल करे, आपको भी कबूल करे। बिल्कुल आमीन आमीन। बिल्कुल अल्लाह मुझे भी कबूल करे, आपको भी कबूल करे। अल्लाह मेरा माशाल्लाह हमारी नानी जो है थोड़ा टिप्स दे रही है ना साना बाजी को। ऑफ कोर्स हमें हमें आज की तारीख में नानी एक अच्छा इंसान बनना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यू नो नफरत और हर चीज तो हर जगह है, पर हम जितना लोगों को अखलाक हमारे अच्छे करें क्योंकि जिसे चाहता है चुन के इस काम के लिए अल्लाह चुन के ले लेता है। जी 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 सबसे काम लेना, सबको भी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया जी, है जी। जिससे काम लेना है अल्लाह जिससे राजी होता है इस काम में लगा देता है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे राजी अल्लाह सब दिन के काम में। अल्लाह तो यही कहता ना मेरे साथ अगर कोई मामला हो तो एक बार क्योंकि वो जात के और मेरे बीच का मामला है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मखलूकों के साथ अगर कोई मामला हो तो उसका हिसाब किताब देना है। तो डर अल्लाह ने लोगों के लिए जो कुरान में बताया क्या बताया, लोगों के लिए बताया, लोगों के लिए आप खैर बने, लोगों के लिए अच्छा करें, लोगों के साथ अच्छा नहीं करने से कितना प्रॉब्लम होगा। तो अल्लाह ने तो हमें लोगों के ही काम आने के लिए बनाया है एक तरीके से कि आप कैसे लोगों के लिए कुछ करते हैं। एंड आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि हम लोगों के लिए करें और अल्लाह उससे राज़ी है, और अगर लोगों के लिए ना करें तो उसका कितना बड़ा हिसाब किताब है। अल्लाह की कोई चीज़ ना फरमानी हो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ना करें, लेकिन तो भी वो आपके और अल्लाह के ज़ात का मामला है। आपने हाथ उठा के रात को बोल दिया अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, लेकिन आपने अगर मेरी गलती को माफ़ नहीं किया तो मुझे कयामत के दिन आपके सामने मैं खड़ी होने वाली हूँ। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो मखलूकों के साथ रिश्ता बहुत कुरान ने इस चीज़ में बहुत अहमियत दी है कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपको पसंद करता हो नहीं करता हो, आपके लिए अच्छी बातों के फूल बरसाता हो या गालियाँ देता हो, लेकिन आप अच्छे रहो, दैट्स इट। सी बहुत ज़रूरी है, समझिए आप। लोग आते हैं, लोग आएंगे आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आप जो एक्सपेक्ट करोगे उनसे वैसे नहीं होगे, बट यही दुनिया है ना, क्या कर सकते हैं हम, अच्छा बने। बुरा लगता है ऑफकोर्स, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, सबको लगता है, बट फिर वो टाइम चला जाता है। फिर भी मैं मेरा दिल बड़ा कर लेती हूँ, वैसे ही छोड़ देती हूँ। जैसे आज एक हादसा हुआ ना, उससे मैंने बोला छोड़ो यार क्यों झगड़ा करना। ऐसे कितने होते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे कितने होते हैं। और अब तो जब लाइफ चेंज हो जाती है तो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाती है, तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, जो नॉर्मल भी लगे नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको इतना देखते हैं कि आपको लगता है नहीं पहले तो मुझे अपना अल्लाह को राज़ी करना, बट उसके अलावा लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब मैं नॉर्मल, मेरे घर तक लिमिटेड नहीं हूँ, मेरे घर के चार लोग, मेरे आसपास के लोग नहीं जानते मुझे कि चलो मैंने कुछ भी कर दिया कल को तौबा करके मैं माफ़ी कर लूँगी, बट अब लोग देखते तो डर लगता है कि लोग मुझसे कुछ गलत ना सीख ले। वो कहते हैं ना कि इंसान अगर बुरा गलत अमल करता है ना वो ठीक कर सकता है, बट जो गलत तालीम होती है ना वो कभी ठीक नहीं कर पाता है। नहीं नहीं जैसे अल्लाह के रास्ते में नहीं चलते, दीन की बात समझते नहीं, सब कुछ जब उस अंगार को जब हवा दोगे तो वो अंगार नानी क्या होता था मतलब ऐसा डबल रोल जैसा, मेरा डबल रोल मतलब बाहर बाहर कोई और घर पे आते ही दुपट्टा पहनूंगी नमाज पढ़ूंगी, एकदम लगेगा ही नहीं कि ये एक्टर है या फिर कुछ है, डबल रोल जैसा, डबल रोल। फिर बाहर जाऊंगी तो कम्प्लीटली डिफरेंट ऐसा होता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो कुछ बनना है कुछ करना है तो ऐसा करना, मतलब कितनी बेवकूफ थी मैं अभी लगता है मुझे, मतलब मैं अगर काम भी स्टॉप कर चुकी हूँ है ना, बट मेरे खाने पीने खर्च में थोड़ी भी कमी नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है मतलब तब मैं सोचती थी कि क्या करूंगी मैं, क्या मैं कहाँ से पैसे आएंगे, मैं कैसे, मतलब कोई कमी नहीं है, फिर भी अल्लाह कहाँ से कहाँ से रास्ते खोलता है, बना ही देता है। दादी ना मैं मेरे दादी के साथ बहुत प्यार से, तो मैं जब भी काम कर जाती थी मैं दादी के पास बैठती हूँ, अम्मी छोटे छोटे कपड़े पहने थे ना मैंने, अल्लाह माफ कर देगा ना मुझे, अल्लाह उनको जन्नत ही बनाए, मतलब जन्नत, हाँ जन्नत तसीफ करना। तो बोलती थी नहीं माँ क्या भी नहीं, तो टेंशन कर लो, जब ऐसे बोलती ना तो मुझे दिल में तसल्ली हो जाती, मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे बोली कि माफ कर दिया अल्लाह, तो अल्लाह माफ कर दिया ऊपर, तो अल्लाह हाँ माफ कर देना, नहीं अच्छा ठीक है।
तेरी नीयत खराब नहीं है ना, परवाह नहीं, अल्लाह तुझे सही रास्ते पे चलाता है बहुत जल्द, डोंट वरी, ऐसा बोलते थे। तो उनका जब इंतकाल हुआ ना, तब से मैंने उनके उनका गुस्ल जब हुआ ना, मतलब नहला रहे थे ना, तो मैं भी थी वहां पे, मैंने भी नहलाया उनको, तब से मुझे ना डर खौफ बैठ गया। डर मतलब तब मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, यू नो, नाउ इज द टाइम दैट आई हैव टू चेंज, एंड दैट वाज द लॉकडाउन टाइम आल्सो, तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, एंड ये भी, एंड तब मैंने सच में, इंसान एक बार मुर्दे को देख ले, वो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हम मुर्दे को उसके कब्र एंड पर छोड़ने गए, जो उसका खात्मा हो गया अब उसे, पर एक्चुअली देखा जाए तो कहते हैं कि मुर्दे आपको जिंदा लोगों को कब्रिस्तान लेके जा रहे, दिखा रहे कि तुम्हें भी इधर आना है, लेकिन हम सोच रहे कि हम उसे छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो एक अल्लाह ने रिवर्स खेला है कि तुम तो उसे छोड़ने जा रहे, पर कहीं ना कहीं मुर्दा आपको भी बता रहा है कि तुझे भी बेटा इधर ही आना, मैं तो चला गया, तेरे पास अभी भी वक्त है। तो कब्र बहुत, मैं सच्ची कहूँ मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मरने से बहुत, मतलब मुझे भी बहुत डर, वैसे डर नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या होगा, मैं सोचती हूँ मैं अकेली, अल्लाह माफ कर दे, बस मुझे माफ करके अल्लाह उठा ले। छोटी छोटी निकियों में भी अल्लाह ने बोल रहा है अनस भाई, आप भी अच्छे लग रहे हैं लाइट में, है माशाल्लाह, कितने क्यूट, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये सब बहुत जल्द निकाल दूंगी, बिकॉज मेरे भाई ने बोल दिया है इसको निकालना है, बट ये मेरा गिफ्ट था, फिर भी निकाल दूंगी, जाना पड़ेगा तुम्हें अब्दुल बारी। क्या बोलते बहुत सताते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, कोयला लेकर आ जाते अभी बेचारी, क्या करी मालूम नानी, वो ऊपर का सबसे छोटे बच्चे तो ये है, वो ताइफ का दिन था मेरे ऊपर, वो बहुत ज्यादा मेरे पे सख्त गुजरा है, यानी उस, यानी आपकी बच्चियों की तलाक ही हुई, यानी अभी लव के बच्चे ने आपको, आपकी हरम में ये कहा, यानी एक बाप के लिए यही होता है सबसे बड़ी, यानी उसके अंदर एक रसवाई, अल्लाह के नबी ने अल्लाह के दिन के खातिर वो बर्दाश्त किया, तो आपने कहा कि यहाँ दिन नहीं फैल रहा है तो मैं ताइफ की हिजरत करूँ, तो उन नादानों ने लगा दिया नौजवानों को, वो आप पे पत्थर मार रहे, आप तोड़ रहे, वो आप पे पत्थर मार रहे, आप तोड़ रहे। आपके साथ ज़ैद बिन हारिसा गुलाम साहब थे रज़ी अल्लाह तआला, उतबा मक्के का सरदार है जो बदर की जंग में कुरैश मक्का की तरफ से लीड वो कर रहा था, उसके हाथ में झंडा था, तो उसने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल कर दिया, वो अंगूर तोड़े उसने, ताइफ में अभी बहुत अंगूर होते हैं, सजा के प्लेट में लाने लगा, तो उसको शर्म गालिब आ गई क्योंकि मक्के में तो मुखालिफत करते थे, उसने हाई मार के अपने गुलाम से कहा कि ये वो नौजवान ये जो बैठा है ना दरख्त के नीचे, उनको जाके दो, उनका कहना रिश्ते, यानी क्या हाल होगा कि दुश्मन रिश्तेदारी का वास्ता देने पे मजबूर हो गया, तो क्या इसको रद्द ना करना, जब आपके पास अद्दाश गुलाम लेकर आया है, और आपने सो उस मामले पे दुआ की है, अल्लाहुम्मा शुक्रिया नहीं तो फकूती अल्लाह तुम मुझसे नाराज़ हो गया, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया जिन्होंने माल माल मेरा लोलुहान कर दिया, तुम मुझसे नाराज़ हो गया। आसमान के फरिश्ते, मैं कल भी ये साथियों को सुना रहा था, दो दफ़ा रोए, एक हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल पे जब छुरी चलाने का हुक्म आया तो वह आसमान पे कोहराम मच गया, अल्लाह ने दुम्बे को हाजिर किया, और दूसरा ये मौका है कि जब आप ही दुआ कर रहे हो आसमान पर खलबली मच गई, जिब्राइल हाजिर है पहाड़ों के फरिश्ते, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन थे, या रसूल अल्लाह हुक्म दे
फिर मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर उनको चकनाचूर कर देता हूँ। आप रहमतुल्लिल आलमीन थे, बोले ये ईमान मिल रहा है, इनकी नस्ल ईमान लाई, मैं ये माफ़ करता हूँ। और फिर अरदास करने लगे कि ये अखबार ने भिजवाए हैं, तो कहा आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा, कि यहाँ तो ये लोग नहीं पढ़ते, तो आप कहाँ क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कहा मैं नैनवा का रहने वाला।